आज इस कंपैरिजन टेस्ट में हम बजाज पल्सर 125 और होंडा SP 125 FI को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों बाइक्स में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइलिंग की। तो शुरुआत करते हैं पल्सर 125 के डिज़ाइन के साथ, जिसका डिज़ाइन बिल्कुल मिलता जुलता है पल्सर 150 नियॉन BS4 के साथ। इसमें आपको पल्सर 150 जैसा ही मस्कुलर फुल टैंक और फुल फाई हेडलैम्प मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना होने के बावजूद देखने में आकर्षक लगता है। इसी वजह से यह 125 cc की बाइक होने के बावजूद काफ़ी बड़ी बाइक की फीलिंग देती है। अब अगर SP 125 के डिज़ाइन की बात की जाए तो यह काफ़ी नया डिज़ाइन लगता है 125 cc की बाइक के हिसाब से। यह लीवो और हॉर्नेट को मिला जुला कर बनाया हुआ डिज़ाइन लगता है। यह ऐसी डिज़ाइन थीम के साथ आती है। LED हेडलाइट और टैंक एक्सटेंशन इसमें 4 चांद लगा देते हैं। वैसे डिज़ाइन की पसंद तो हमें ग्राहक पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह पसंद हमेशा ही निजी पसंद रही है। तो यह राउंड टाई हो गया है, दोनों बाइक को एक एक पॉइंट मिलता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो दोनों ही बाइक में ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं। दोनों में इंजन किल स्विच, पावरफुल हेडलैम्प, साइड स्टैंड वार्निंग और अलॉय व्हील आते हैं, लेकिन होंडा यहाँ काफ़ी आगे निकल जाती है, जिसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, गियर इंडिकेटर, साइलेंट स्टार्टर, LED हेडलाइट जैसे फीचर आते हैं। तो इस कारण से ये राउंड SP जीतती है। अब हम बात करते हैं राइड हैंडलिंग और कंफर्ट के बारे में। राइड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही बाइक कंफर्टेबल हैं, सीट मुलायम है, और सस्पेंशन की बात की जाए तो वो भी मुलायम है, लेकिन यह पल्सर थोड़ी आगे निकल जाती है अपने हाई स्पीड कंफर्ट के मामले में। यह SP जितनी सॉफ्ट नहीं है और इस कारण तेज स्पीड में अच्छे से चलती है और बाउंसी फील नहीं होती, और इसी कारण इसकी हैंडलिंग भी बेहतरीन हो जाती है। और इसमें चौड़े टायर मिलते हैं, इससे इसकी हैंडलिंग को और ज़्यादा सहायता मिलती है। इससे अच्छी हैंडलिंग 125 cc में सिर्फ ड्यूक 125 की है, जो इससे 2 गुना ज़्यादा महंगी है। तो इस राउंड में पल्सर जीत जाती है। अब हम बात करते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों में 124 cc का इंजन आता है, पल्सर में थोड़ा सा ज़्यादा 124.4 cc का इंजन आता है। इसमें पावर और टॉर्क भी ज़्यादा है। पल्सर में आपको 12 हॉर्स पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। SP में 10.6 हॉर्स पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पल्सर में परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी आपको अपने 140 kg वजन के बावजूद, जो SP के 117 किलो से 23 किलो ज़्यादा है। इसकी वजह है इसका 2 स्पार्क प्लग वाला शॉर्ट स्ट्रोक मोटर, जो आसानी से स्पीड पकड़ता है, मगर माइलेज में पिछड़ जाता है और रिफाइनमेंट में भी। पल्सर की क्लेम माइलेज है 57 किलोमीटर पर लीटर की, वहीं SP आपको 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, जो कि इससे 13 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा है। तो यह राउंड भी टाई रहता है। इसकी वजह है पल्सर आपको परफॉर्मेंस देती है और SP आपको रिफाइनमेंट और माइलेज। अब हम इसके अन्य बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे ब्रेकिंग, टायर और प्राइसिंग। ब्रेकिंग में पल्सर आगे निकल जाती है। हम यहाँ पर दोनों बाइक के डिस्क ब्रेक वर्जन को कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों ही बाइक में 240 mm का फ्रंट डिस्क और 130 mm का रियर ड्रम आता है, जो कि CBS के साथ आता है, मगर पल्सर 150 से डिराइव होने के कारण इसकी ब्रेकिंग फील अच्छी है और थोड़ी बड़ी बाइक जैसी है। इसमें मदद करते हैं इसके चौड़े टायर। और प्राइसिंग की बात की जाए तो दोनों ही बाइक लगभग 90,000 के आसपास ऑन रोड मिल जाती हैं, लेकिन पल्सर थोड़ी सस्ती मिल जाती है आपको शाइन SP 125 के मुकाबले। तो हम देखते हैं इस कंपैरिजन का कंक्लूजन क्या निकला। वैसे तो पॉइंट के हिसाब से पल्सर जीत जाती है, लेकिन इन दोनों में से कोई बाइक कम नहीं है। जहाँ पल्सर अपने दमदार इंजन और बड़ी बाइक की फीलिंग देती है, SP ज़्यादा प्रीमियम लगती है अपने फीचर्स के साथ और अपने इंजन रिफाइनमेंट के साथ। जिसे ज़्यादा फीचर्स चाहिए उसे SP की तरफ जाना चाहिए, और जिसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए उसे पल्सर लेना चाहिए।